हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ बटाटा वड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यकीन मानिए, देखते ही खाने का मन करता है और बनाना बिल्कुल आसान है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे उबले हुए आलू, और 8 से 9 लिए हैं मैंने उबले हुए आलू। आलू को हाथों से कर लेंगे मैश, और ये लीजिए सभी आलू को कर लिया मैश। और अब हम लेंगे एक मिक्सी जार, और इसमें डालेंगे 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। 6 से 7 ले रही हूँ मैं हरी मिर्ची, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक टुकड़ा लिया है मैंने अदरक का। सभी को डालेंगे मिक्सी जार में, और अब हम इसे पीस लेंगे। पीसते समय ध्यान रहे इसमें बिल्कुल भी पानी ना डालें। इसी तरह से आपको इसे पीसना है। और ये देखिए, मैंने इस तरह से इसे पीस लिया, ये थोड़ा सा तरतरा है, तो आप इसे इसी तरह से पीस लें। और अब हम लेंगे एक पैन, और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। मैंने इसमें सरसों का ऑयल का इस्तेमाल किया, आप कोई भी ऑयल इसमें डाल सकते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 पिंच मैं इसमें डाल रही हूँ हींग। राई और जीरे को एक बार अच्छे से चटकने दें, और अब हम इसमें इस तरह से तोड़ के थोड़े से डाल देंगे करी पत्ते। साथ ही इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट जो हमने ग्राइंड किया था। गैस का फ्लेम लो रखेंगे, और लो फ्लेम पर एक बार इसे चला दें। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्ची पाउडर। और अब मसालों को चलाते हुए अच्छे से भून लें। ध्यान रहे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें, और लो फ्लेम पे चलाते हुए मसालों को अच्छे से भून लें। और ये देखिए, मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया। और मसालों को भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू जो हमने मैश करके रखे हुए हैं। आलू डालने के बाद अब हम कर लेंगे इसे मिक्स। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, और लो फ्लेम पे चलाते हुए अच्छे से इसे मिक्स करें। और अब हम लो फ्लेम पे ही 1 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। 1 मिनट के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और साथ ही इसमें डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। इसे भी कर लेंगे अच्छे से एक बार मिक्स। और ये लीजिए, हमारा आलू का मसाला बनके हो गया है तैयार। तो अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ, और इसे थोड़ा सा होने देंगे ठंडा। आलू का मसाला जब तक ठंडा होता है तब तक हम बना लेते हैं बेसन का घोल। तो इसके लिए लेंगे एक बाउल, और इसमें डाल रही हूँ मैं 1.5 कप बेसन, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। सभी को कर लेंगे एक बार मिक्स। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और पानी एक बार में इसमें बिल्कुल ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, और चलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स करें। हमें इसका पतला घोल बिल्कुल नहीं बनाना है, गाढ़ा घोल बना के करना है तैयार। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालें, और चलाते हुए अच्छे से मिक्स करें। और ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह का हमारा गाढ़ा घोल बन के होना चाहिए तैयार। आलू का मसाला भी थोड़ा सा हो चुका है ठंडा, और ठंडा होने के बाद अब हम इसकी बनाएंगे छोटी छोटी बॉल्स। आपको जिस साइज़ के वड़ा चाहिए उसी साइज़ के आप बॉल्स बना के करें तैयार। मैं इसकी इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स बना के कर रही हूँ तैयार। और ये लीजिए, सारी बॉल्स मैंने कर लिए तैयार। आलू की बॉल्स बनाने के बाद अब हम लेंगे बेसन वाला घोल, और इसमें डाल देंगे बॉल। बॉल डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से कर लेंगे बेसन के घोल में कोट। आलू की बॉल्स को बेसन में कोट करने के बाद अब हम करेंगे इन्हें फ्राई। फ्राई करने से पहले ऑयल को कर ले एक बार इस तरह से चेक। और ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से हमारा ऑयल गर्म है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू वाली बॉल्स। और अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पे अब हम इसे करेंगे फ्राई। गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई ना करें। और अब हम इसे इसी तरह से लगातार उलटते पलटते रहेंगे जब तक इस पर हल्का सा गोल्डन कलर ना जाए। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, और मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। और ये लीजिए, मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए लगातार इस तरह से मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए फ्राई किया है। और ये देखिए, काफ़ी अच्छा इस पर कलर आया। तो अब हम इसे निकालेंगे एक प्लेट में, और ये देखिए, हमारे परफेक्ट बटाटा वड़ा बन के हो गए तैयार। तो इसी तरह से सभी को कर ले फ्राई। और ये लीजिए, मैंने सभी को कर लिया फ्राई। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और ये लीजिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल सुपर सॉफ्ट बन के तैयार हुए। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।